भाजपा को राम मंदिर दिखाने का लालच देने की नौबत आखिर क्यों आई? राज ठाकरे का बड़ा बयान। चुनाव में धर्म का इस्तेमाल करने पर मेरे पिता पर बैन लगाया गया, लेकिन भाजपा राम मंदिर का इस्तेमाल कर रही है और चुनाव आयोग चुप है। उद्धव ठाकरे। मध्य प्रदेश में जनता ने काम का हिसाब मांगा तो भाजपा मंत्री कमल पटेल बोले, तो कांग्रेस को वोट दे देना। राजस्थान में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ जैसे उन्हें फांसी दे रहे हो। एक एक घर में जाकर भाजपा और नरेंद्र मोदी की पोल खोलनी है, आप कार्यकर्ताओं सम्मेलन में बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अगले 10 से 15 दिनों में हमें दिल्ली छान मारनी है, घर घर जाना है और जनता से पूछना है कि क्या इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए, जो जनता कहेगी हम करेंगे, अरविंद केजरीवाल। इस्तीफा जूते की नोक पर लेकर चलता हूँ, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दिन दहाड़े कन्हैयालाल तेली को नोच दिया जाता है, मार दिया जाता है, लेकिन इनके यानी कांग्रेस पेट का पानी नहीं हिलता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। जिस हैदराबाद से आपने 10 साल तक चोरी की है, उस हैदराबाद को कांग्रेस ने दुनिया का आईटी कैपिटल बनाया था, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा। 5 दिन बाद भी सलमान की फिल्म 200 करोड़ का आंकड़े से दूर, टाइगर 3 से भी धुआंधार कमाई की उम्मीद थी। देश की पहली रैपिड रेल सिर्फ एक क्लिक में बुक हो जाएगा टिकट, यहां तक कि यात्री को ऐप में गंतव्य स्थान लिखने की भी जरूरत नहीं। छठ का पर्व भी अब राष्ट्रीय पर्व बन गया है तो ये खुशी की बात है, दिवाली मिनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष को फ्री हिट दे और विपक्ष को हिट विकेट करते रहे, उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को पत्र लिखते हुए कहा। नागपुर से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और राज्य की राजनीति में ही रहूंगा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा। वाजपेयी के समय की बीजेपी कुछ और थी, आज की बीजेपी बहुत बदल गई है, अमित शाह के बयान पर राज ठाकरे ने साधा निशाना। हमास इसराइल संघर्ष में आम नागरिकों के मारे जाने की भारत कड़े शब्दों में निंदा करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही हो तो जजों को सुनवाई के दौरान सचेत रहना चाहिए, नहीं तो सोशल मीडिया पर गलत समझे जाने का जोखिम पैदा हो जाता है, सीजीआई। अगर सबूत पेश किए जाएंगे कि अधिकारियों का तबादला करके मेरे बेटे ने पैसे कमाए हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, सिद्धरमैया। हिजाब पहनने का विकल्प लड़कियों पर छोड़ देना चाहिए, मैं पहले हिजाब पहनती थी लेकिन मैंने इसे बाद में खुद ही छोड़ दिया, सैला रसीद। किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त देने में देरी क्यों हुई? 15 नवंबर को किस्त आ रही है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश चुनाव से ठीक पहले, क्या ये देरी जानबूझकर नहीं की गई? जयराम रमेश कांग्रेस। ये दांत दिखाने का नहीं बल्कि काटने का समय है, आज मीडिया विश्वसनीयता की चुनौती का सामना कर रहा है, जगदीप धनखड़। ज्ञानवापी मामले में अखिलेश यादव ने याचिका निरस्त करने की मांग की। मुंबई एयरपोर्ट ने एक दिन में 1032 फ्लाइट्स मूवमेंट का एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया, 2018 के 1004 एटीएम के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया।